हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं नंदिनी मिश्रा आपके साथ। आज नए साल का आगाज है तो जाहिर तौर पर किस्मत कनेक्शन भी आपके लिए आज हम खास लेकर आए हैं और बात करेंगे ये नया साल और नए साल का आज का पहला दिन कैसा रहेगा आप सभी के लिए। हमारे साथ जल जुड़ेंगी आज की हमारी गेस्ट, तो बने रहिए अगले आधे घंटे हमारे साथ। और हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुकी हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी। बहुत बहुत स्वागत आपका रंजना जी। नमस्कार रंजना जी, साल का पहला दिन है आज और इस पहले दिन पर क्या कहना चाहेंगी आप? कौन सा वो ख्याल, कौन सा वो पॉजिटिव थॉट जिसके बारे में आज आप स्पेशली जिक्र करना चाहेंगी? हम ये कहना चाहेंगे कि भुला दें आप बीता हुआ कल, दिल में बसाएं आने वाला कल, हंसें और हंसाएं हर पल, और खुशियां आपकी जिंदगी में रोज हो हर पल। इसके साथ आप सब लोगों को और आपके सब परिवार वालों को हार्दिक शुभकामनाएं नव वर्ष की। चलिए, जैसा कि कॉलर्स जानते हैं इस कार्यक्रम में डायरेक्ट हमारे साथ जुड़ सकते हैं, तो नंबर आपकी टीवी स्क्रीन के सामने है, आप सबके सामने है और आप फोन लाइन खुल चुकी है, जरूर कॉल करें और अपनी किस्मत को लेकर, अपने फ्यूचर को लेकर सवाल कर सकते हैं। रंजना जी, सबसे पहले बात करेंगे एक नंबर वालों की, चूंकि आज साल का पहला दिन है तो ये भी जानना चाहेंगे कि आज के दिन के साथ साथ ये जो पूरा साल है ये कैसा रहने वाला है? नंबर एक वालों के लिए हम देखते हैं साल बहुत ही बढ़िया रहने वाला है, एकदम सर्वोत्तम रहने वाला है और हम देखते हैं कि इनके अंदर एक नई उमंग, एक नया कॉन्फिडेंस आने वाला है, नई डिसीजंस भी लेना चाहेंगे और हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपना नया कोई प्रॉपर्टी मैटर्स या अपने नया नए कोई बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। इनके लिए ये जो साल है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा शुरुआत में प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर उसके बाद ये साल हम देखते हैं इनके लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है और इनका जो रंग है वो है ऑरेंज और इनके जो अंक हैं, जो लकी इनके लिए रहेंगे वो हैं, डेट्स जो होंगी वो होंगी 1, 10, 19 और 28 और इनके लिए जो दिन लकी रहेंगे वो होगा संडे, मंडे, ट्यूजडे एंड थर्सडे। जी चलिए आगे बढ़ते हैं रंजना जी और अब बात कर लेते हैं दो नंबर वालों की। दो नंबर वालों के लिए ये पूरा साल 2021 कैसा रहने वाला है? दो नंबर वालों के लिए भी हम देखते हैं इनके लिए ये सो साल है बहुत ही बढ़िया रहने वाला है और हम ये देखते हैं कि कहीं ना कहीं अपने कार्य क्षेत्र में भी और बिजनेस में भी ये बहुत ही ज्यादा तरक्की करने वाले हैं और जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम देखते हैं, विद्यार्थियों के लिए भी इस टाइम कोई भी अगर ये परीक्षा में बैठेंगे, कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम के लिए जाएंगे तो इनको जरूर सक्सेस मिलेगी। इंटरव्यूज के लिए भी इनको जो भी जहां पे भी जाएंगे उनके लिए बहुत ही ज्यादा इनके लिए सक्सेसफुल होने वाला है। तो ये साल जो है कर्क राशि वालों के लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर शुरुआत में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, मगर अप्रैल के बाद यह है कि इनका साल हम देखते हैं स्वास्थ्य के लिहाज से एकदम बढ़िया रहने वाला है। इनका जो रंग है इस साल में जो इनके लिए फेवरेबल रहेगा वो है सफेद रंग और इनका जो अंक रहेंगे वो है 2, 11, 20 और 29। ये डेट्स इनके लिए बहुत ही ज्यादा लकी रहेंगी और इनके जो लकी डेज रहेंगे वो होगा मंडे, संडे, ट्यूजडे और थर्सडे। जी चलिए आगे बढ़ते हुए अब बात कर लेते हैं तीन नंबर वालों की। रंजना जी, तीन नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला साल? तीन नंबर वालों के लिए हम देखते हैं साल इनका भी बहुत ही बढ़िया रहने वाला है। हम देखते हैं जो भी इनकी थोड़ी बहुत हेल्थ प्रॉब्लम्स रही हैं वो इनकी बिल्कुल ठीक होने वाली हैं और इनको हम ये भी देखते हैं कि कहीं ना कहीं ये कोई ना कोई इन्वेस्टमेंट्स भी करेंगे, प्रॉपर्टी में भी निवेश कर रहे हैं और इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि इनके जिंदगी में जिन लोगों की शादी नहीं हुई उनको एक बहुत ही अच्छा वर प्राप्ति भी हो सकती है और इसके साथ साथ हम देखते हैं परिवार का इनको पूरा ही सहयोग मिलने वाला है।
हर तरफ से इनके लिए जो ये साल है बहुत ही तरक्की देगा और बहुत ही इनको खुशियां मिलने वाली हैं इस साल में। खाली थोड़ा सा इनको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना पड़ेगा, मगर वैसे देखा जाए तो नंबर तीन वालों के लिए ये साल बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। इनका जो रंग रहेगा साल भर में वो है येलो एंड गोल्डन, और इनके जो लकी डेट्स रहेंगी वो है 3, 12, 21 और 30, और इनके लकी डेज जो रहेंगे वो होंगे ट्यूजडे, थर्सडे एंड संडे। जी रंजना जी, हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं, उनका नाम है अभिषेक और उनका जो डेट ऑफ बर्थ है वो है 4/8/1993। उनका सवाल यही है कि 2020 उनके लिए बहुत खास नहीं रहा, काफी खराब रहा है, तो वो ये सवाल कर रहे हैं कि 2021 उनके लिए कैसा रहने वाला है। अभिषेक जी, हम देखते हैं कि जो भी प्रॉब्लम्स आपके इस साल में आई हैं वो हम देखते हैं वो अब सब खत्म होने वाली हैं। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और वैसे भी नंबर चार वालों के लिए हम अभी बताना भी चाह रहे हैं कि जो इनका आने वाला साल रहेगा बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाला है। थोड़ी बहुत इनकी माइंड में कन्फ्यूजन्स रहती हैं, उनको थोड़ा सा इनको अपने जो योगा करके मेडिटेशन करके अपने आप को थोड़ा सा स्थिर कराना होगा। इसके अलावा हम देखते हैं इनका ये जो साल रहेगा बहुत ही इनके लिए फेवरेबल रहने वाला है, जितने भी इनके रुके हुए काम हैं वो इनके बनते चले जाएंगे। और इसके साथ साथ हम इनको ये भी बताना चाहते हैं जो इनकी लकी डेट्स होंगी वो होंगी 4, 13 और 22, और इनका जो लकी रंग होगा वो होगा ब्लू, और इनका जो लकी डेज होंगे वो होगा वेंसडे एंड सैटरडे। तो इसके हम देखते हैं कि इनके जो आने वाला समय है वो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहने वाला है। नंबर चार वाले जो व्यक्ति हैं, जैसे कि हम देखते हैं अभिषेक जी भी नंबर चार वाले व्यक्ति ही हैं, और इनके लिए आने वाला वर्ष 2021 बहुत ही ज्यादा सर्वोत्तम रहने वाला है। जी बिल्कुल, आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में, और चार नंबर वालों की बात आपने की है, अभी हम कर लेते हैं पांच नंबर की बात। पांच नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है आने वाला साल? पांच नंबर वालों के लिए हम देखते हैं कि थोड़ा बहुत जिंदगी में उतार चढ़ाव जरूर इनको रहने वाला है, मगर फिर भी हम देखते हैं इनके अंदर सूर्य से जो आत्मबल आएगा, ये जिस भी तरह की प्रॉब्लम्स होंगी इनकी जिंदगी में वो इनको बहुत ही अच्छे से फेस कर सकेंगे, और इनका जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो भी धीरे धीरे इनकी अप्रैल के बाद से खत्म होने लग जाएंगी। जो साल है इनका थोड़ा सा सामान्य रहेगा, मगर इनके लिए हम एक मंत्र बता देते हैं, वो है बुद्ध का मंत्र जो होता है ओम ब्राह्म ब्रीम ब्रह्म स बुद्धाय नमः, उससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। नंबर पांच वाले व्यक्तियों के लिए मेहनत थोड़ी करनी पड़ेगी, मगर इनका साल अच्छा जाएगा, क्योंकि 2021 का जो इसको जो ऐड करके हम देखते हैं वो भी नंबर पांच ही होने वाला है। नए इनको बिजनेस प्रपोजल्स मिलेंगे, नए बिजनेस जरूर ट्राई कर सकते हैं, और इनका साल ऑन द होल ये थोड़ा मंत्र करेंगे और गाय को हरी घास खिलाते रहेंगे तो इनका साल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। इनके जो लकी डेट्स हैं वो हैं 5, 14 और 23, और इनका जो रंग रहेगा वो होगा हरा और लाइट ब्लू, और इसके जो लकी डेज रहेंगे वो होगा वेंसडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। चलिए आगे बढ़ते हैं रंजना जी, और बात कर लेते हैं 6 नंबर वालों की। 6 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है? 6 नंबर वालों के लिए हम ये साल देखते हैं बहुत ही चुनौतीपूर्ण रहेगा, बहुत बदलाव आएंगे, और हम ये भी देखते हैं कि ये काफी हद तक अपने क्षेत्र में बहुत ही ज्यादा तरक्की भी करेंगे, और इनके साथ साथ हम देखते हैं इनको पूरा सपोर्ट मिलने वाला है अपनी फैमिली से, और इनके लिए ये भी हम देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं इनके कोई पुराने मित्र से या पुराने सगे संबंधी से इनको बिजनेस के बहुत ही अच्छे प्रपोजल्स भी मिलने वाले हैं। तो नंबर सात वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए ये साल बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा, मगर मार्च 17 के बाद कुछ ना कुछ इनकी हड्डियों को लेकर और स्किन को लेकर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, थोड़ा सा इनको ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा। अपने साल को और बेहतर बनाने के लिए अगर हर शुक्रवार वाले दिन ये खीर का दान करेंगे और मंदिर में जाकर खीर चढ़ाएंगे भी, उससे बहुत ही ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। इनका जो रंग है वो है गुलाबी, और इनके जो लकी डेज हैं डेट्स हैं वो है 6, 15 और 24, और इनके जो लकी डेज हैं वो रहेंगे फ्राइडे, वेंसडे एंड सैटरडे। जी रंजना जी, आप हमारे साथ बने रहिए, एक बार फिर से आपके पास वापस लौटेंगे। लगातार नए साल को लेकर कैसा रहेगा आपका ये पूरा साल, और नए साल को लेकर जो कश्मकश आप सभी के मन में है उस पर भी हम चर्चा लगातार कर रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द वापस लौटेंगे।
किस्मत कनेक्शन में ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं टैरो कार्ड एक्सपर्ट रंजना राणा जी का। रंजना जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और ब्रेक से पहले हमने 6 नंबर तक की बात की थी, अब हम बात करेंगे आगे 7 नंबर की। 7 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल, प्लीज बताएं। 7 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं उनका साल भी बहुत ही बढ़िया जाने वाला है। और हम देखते हैं कि इनको थोड़ा सेहत का ध्यान रखना पड़ेगा, थोड़ा खान पान का ध्यान रखना पड़ेगा, और इनको थोड़ा सा हम देखते हैं अपनी हेल्थ को डिसिप्लिन लाना पड़ेगा, क्योंकि व्यापार में इनकी वृद्धि होने वाली है, फाइनेंशियल सिचुएशन इनकी काफी इम्प्रूव होने वाली है, और जिन लोगों को नौकरी से प्रॉब्लम आ रही है उनको नौकरी भी जल्द मिलने वाली है। और इनको बच्चों को लेकर थोड़ा सा ये परेशान जरूर दिखाई दे रहे हैं, मगर उसके लिए हम आपको यही सजेशन देते हैं कि उनके लिए भी थोड़ा सा ध्यान आप देंगे, उनके साथ आराम से बैठकर बातचीत करेंगे, तो हम देखते हैं कि ये साल नंबर 7 वालों के लिए बहुत ही अच्छा साबित होने वाला है। और इसके साथ साथ अगर ये रोज सब तनाजा चींटियों और चिड़ियों को सुबह डालने लग जाएंगे, इससे इनको बहुत ही ज्यादा लाभ मिलने वाला है। इनके जो लकी डेट्स हैं वो है इनकी 7, 16 और 25, और इनके जो लकी डे है वो इनका होगा ट्यूसडे एंड थर्सडे। जी चलिए अब बात कर लेते हैं 8 नंबर वालों की। 8 नंबर वालों के लिए ये साल कैसा रहने वाला है रंजना जी? 8 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं ये साल बहुत ही बढ़िया जाने वाला है, और हम देखते हैं इनको बहुत ही ज्यादा लाभ रहेगा, हर स्फीयर में इनको सक्सेस अवश्य मिलने वाली है। और हम देखते हैं कि ये इनको विदेश से भी काफी लाभ मिलने वाला है, विदेश में जितने लोग एक्सपोर्ट इम्पोर्ट में काम कर रहे हैं उनका अब काम धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा, इनको बिल्कुल भी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और इसके साथ साथ हम ये भी देखते हैं कि जितने भी काम इनके बहुत दिनों से रुके हुए हैं वो भी धीरे धीरे बनने लग जाएंगे। सेहत को लेकर भी हम देखते हैं इनका साल बहुत अच्छा रहेगा। और इसके साथ साथ हम इनको ये बताना चाहते हैं कि हर शनिवार वाले दिन अगर ये काली उड़द और सरसों का तेल का दान करेंगे और पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाएंगे तो इनका साल और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। इनका जो रंग है वो है ब्लैक, और इनका जो अंक है वो होगा, जो लकी डेट्स होंगे वो होगा 8, 17 और 26, और इनके जो लकी डेज होंगे वो होगा शनिवार, बुधवार और शुक्रवार। चलिए आगे बढ़ते हैं रंजना जी और बात कर लेते हैं आखिरी नंबर 9 नंबर की। 9 नंबर वालों के लिए कैसा रहने वाला है ये साल? 9 नंबर वालों के लिए हम देखते हैं साल बहुत अच्छा रहेगा, मगर इनको मेहनत काफी करनी पड़ेगी, और हम ये देखते हैं इनको जो कड़ी मेहनत करेंगे उसका परिणाम इनको जरूर अच्छे मिलने वाले हैं, मगर हम ये भी देखते हैं कि थोड़ी सी कंफ्यूजन इनके माइंड में होगी। कोई लोग जो नौकरी कर रहे हैं वो सोचेंगे थोड़ा सा बदलाव लाने के लिए, थोड़ा बिजनेस ट्राई करने के लिए, तो हम उनको यही सजेशन देते हैं कि जल्दबाजी में आप कोई भी काम ना करें, जो भी काम करें एकदम सोच समझ कर करना बहुत ही ज्यादा आपके लिए जरूरी रहेगा। और अगर हो सके तो इस काम को आप जरूर अप्रैल के बाद करें और तभी आपको इसमें लाभ मिलने वाला है। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स जो हैं उनके लिए भी ये जो साल रहेगा बहुत ही अच्छा रहेगा, और इनका जो नंबर 9 वाले हैं इनका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही ज्यादा सुखी रहने वाला है। तो इसलिए हम देखते हैं कि नंबर 9 वालों के लिए भी ये साल सर्वोत्तम रहेगा, हर तरफ से इनको सहायता भी मिलेगी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी भी काफी रहेगी इनके लिए, और इसके साथ साथ अपना साल और भी शुभ बनाने के लिए बहुत जरूरी है कि ये रोज विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, और हर बृहस्पतिवार वाले दिन केले के पेड़ के नीचे हल्दी, गुड़ और थोड़ा सा इसका जो है ये दान जरूर करना शुरू कर दें, इससे बहुत ज्यादा इनको लाभ मिलने वाला है। नंबर 9 वालों का दिन बहुत ही ज्यादा, जो दिन भी है और जो आने वाले दिन है इनके बहुत ही ज्यादा बढ़िया रहने वाले हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया रंजना जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बताने के लिए कि पूरा जो साल है ये सभी के लिए कैसा रहेगा। फिलहाल के लिए किस्मत कनेक्शन में इतना ही, बने रहिए हरियाणा न्यूज के साथ।